नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी, डायरेक्टर ऑफ ऑर्डिनेंस की तरफ से यानी कि आयुध निषेधालय की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। इसमें कौन सी पोस्ट है जी, हैवी व्हीकल फैक्ट्री में अवार्डी में आपकी चेन्नई में पोस्टें हैं। TM अप्रेंटिसशिप की पोस्टें हैं। किसकी है जी, अप्रेंटिसशिप की पोस्टें हैं। कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है जी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। कौन कौन, पूरी डिटेल जानिएगा। इसमें सबसे पहले कौन कैंडिडेट मांग रखे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग लाइन में इंजीनियरिंग कर रखी है, कौन कौन सी ट्रेड में इंजीनियरिंग की है वो भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है वो भी डिस्कस करेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें 214 पोस्टें हैं जी। कितनी है जी, 214 पोस्टें हैं। और पे स्केल एज पर द गवर्नमेंट रूल रहने वाला है, जो कि आपको पे स्केल तो नहीं कह सकते बट स्टाइफंड कह सकते हैं, जो कि 7,000 से करीबन 9,000 के बीच में आपका स्टाइफंड रहने वाला है। ये आपकी जो लोकेशन है, ये आपकी लोकेशन हैवी व्हीकल फैक्ट्री में ही मिलेगी जॉब की, अप्रेंटिसशिप की। 10 जून से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं जी, 25 जून इसकी लास्ट डेट है। अभी भी आपके पास दिन काफ़ी पड़े हैं, ठीक है जी। और इसमें किसी भी कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है, बट मिनिमम एज इसमें 18 साल मांगी है। कितने जी, 18 साल एज मांगी हुई है। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप भी है और टेक्निकल और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप भी है, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो कैंडिडेट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, और जिनका डिप्लोमा इंजीनियरिंग लाइन में है वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है जी। और 104 पोस्टें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की और 110 पोस्टें टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की। इसमें फुली टाइम में आपकी इंजीनियरिंग होनी जरूरी है, ठीक है, किसी भी लाइन में। कौन कौन सी लाइन की बात करें, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, इसमें मैकेनिकल की 50 पोस्टें हैं जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 10 पोस्टें हैं, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की 19 पोस्टें हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 15 पोस्टें हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 10 पोस्टें। टोटल में 104 पोस्टें। इसमें आपका 9,000 स्टाइफंड मंथली रहने वाला है। ये अप्रेंटिसशिप आपकी 1 साल तक की रहने वाली है, ठीक है जी। और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 50 पोस्टें हैं। ये है जी, पहली वाली थी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, ये है टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की पोस्टें। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी जो पोस्टें जी 50 पोस्टें रहने वाली हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 30 पोस्टें हैं जी, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 7 पोस्टें हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 5 हैं जी, ऑटोमोबाइल की इंजीनियरिंग की 18 पोस्टें। टोटल में 110 पोस्टें। इसमें 8,000 आपका मंथली स्टाइफंड रहने वाला है, वो भी 1 साल तक। कितना जी, 1 साल तक आपका रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 साल मिनिमम मांगी हुई है। कितनी, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट इसमें कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपकी की जाएगी भी बंदे ने इंजीनियरिंग लाइन में इंजीनियरिंग कर रखी है या नहीं। ये दो लिंक आपको अप्लाई करने के प्रोवाइड करवा दिए, क्योंकि अलग अलग लिंक हैं जी, कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देते हैं। ये ऑफिशियली वेबसाइट है और उसके बाद ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो कि आपको हम शेयर कर चुके हैं, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए कितनी पोस्टें हैं, ये सारी की सारी डिटेल, ठीक है। और कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ी बात जो कि आप मिस करोगे और आपका नुकसान होगा, लॉस होगा जी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जरूर जो हाईलाइट मैंने की है, सबसे पहले इसमें कौन कौन इंजीनियरिंग लाइन से अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 2019, 20 या 21 में इंजीनियरिंग की है, ठीक है। और हेलिंग तमिलनाडु से कि वो अंडरगोइंग 1 साल की आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो 2019, 20 और 21 में, ठीक है जी। और इनमें आपने इस सेशन में अगर डिग्री की है या डिप्लोमा की है तो ही आप एलिजिबल हो सकते हो। इसी तरह टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की पोस्टें हैं, और इसमें बताया जी जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग है, इसमें या तो आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए जिस में आपने अप्रेंटिसशिप करनी है, उस लाइन में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है, चाहे तो बैचलर इंजीनियरिंग हो चाहे बैचलर टेक्नोलॉजी हो, ठीक है। और आपका प्रोफेशनली आपका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आप एग्जाम पास किए हुए होने चाहिए। इसी तरह डिप्लोमा आपका कवरअप होना जरूरी है। और उसी तरह बात करें, रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल रहने वाले हैं, ठीक है जी। और इसमें मिनिमम ड्यूरेशन आपकी 1 साल अप्रेंटिसशिप की 1 साल की
रहेगी। जिन्होंने पहले कहीं पर अप्रेंटिसशिप की है वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन सिर्फ आपके HVF के जो शॉर्ट लिस्ट तैयार होगी उसी के हिसाब से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है इन्होंने पूरा का पूरा बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने पहले नेशनल वेब पोर्टल पर MHRDNATS पर नहीं रजिस्ट्रेशन किया वो कैंडिडेट पहले इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें। कौन सी वेबसाइट है जी? ये वाली वेबसाइट। इस पर NATS पर आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का आपको पूरे का पूरा इन्होंने बता दिया है। इस हिसाब से आपने इस वेबसाइट पर अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने आफ्टर वेरिफिकेशन एनरोलमेंट बोर्ड पर आकर SR पर आपने इस बोर्ड पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट लॉगिन करके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन अपने इसी पोर्टल पर करना है। ये देख सकते हो नेशनल अप्रेंटिसशिप के थ्रू ही ये ओपन होएगा, ठीक है। यानी कि इस NATS पर नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसी में आपको हैवी व्हीकल फैक्ट्री की कैटेगरी सर्च करने को मिल जाएगी, उसके बाद अप्लाई करने को मिल जाएगा। कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। और आपका फॉर्म 25/6 यानी कि 25 जून तक अप्लाई हो जाना चाहिए, फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए, ठीक है जी। ये अब बात करते हैं अप्लाई का, आपको बता ही दिया वैसे प्रोसेस। पहले आपने NATS पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर यहाँ से आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली NATS की वेबसाइट पर ही लेके जाएगा, वहीं पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बड़ी रही है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई आपका एग्जाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 8 से 9 हज़ार आपको इसमें मंथली जो अप्रेंटिसशिप स्टाइफंड है वो मिलने वाला है, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिएगा, 214 पोस्टें हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और वेब पोर्टल शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।